कंगना रनौत चंडीगढ़ में हुए थप्पड़कांड को लेकर चर्चा में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर अभी तक ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच अब कंगना रनौत ने 2020 में उनके घर के एक हिस्से पर चलाए गए बीएमसी के बुलडोजर को लेकर बात की है। अभिनेत्री ने ये भी साफ किया है कि उन्होंने इस घटना की वजह से राजनीति में आने का फैसला नहीं किया, हालांकि उस दौरान उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ था। कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी से इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। इसके साथ ही अभिनेत्री अब सांसद बन गई है, हालांकि अभी वो कैबिनेट मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनी है। कंगना रनौत ने बीएमसी वाली घटना को लेकर अपने हालिया इंटरव्यू में साफ किया कि वो इसकी वजह से राजनीति में नहीं आई है। हिमाचली पॉडकास्ट के साथ बातचीत में अभिनेत्री ने कहा, हर किसी के विचार के विपरीत जिंदगी में कुछ भी नया करने के पीछे मेरी सोच कभी भी किसी कड़वाहट से नहीं निकलती है। नेगेटिव मुझे थका देती है, यहाँ तक कि जब मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी को बहुत सम्मान मिलता है तो वो मैं हूँ, मैं अभी भी अपनी इस बात पर कायम हूँ। कंगना रनौत ने 2020 में बीएमसी के बुलडोजर चलाए जाने वाली घटना पर बात की। उन्होंने कहा, मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ था, ऐसा लगा जैसे मुझ पर बहुत अत्याचार किया गया था। एक घर आपका विस्तार है, लेकिन मेरा घर जबरदस्ती गुंडागर्दी करके तोड़ दिया गया, ये उस समय पर्सनल अटैक जैसा था। उन्होंने आगे कहा, उस घटना से मुझे यह सीख मिली कि महाराष्ट्र में कितने लोगों ने मेरा समर्थन किया और किस हद तक भारत ने मेरा साथ दिया। शिवसेना की घटना को हर कोई जानता है और लोगों ने मुझे बताया कि मैं साहसी हूँ, उस घटना की एक खास फैन फॉलोइंग है। ऐसी ही न्यूज से अपडेट रहने के लिए वही को सब्सक्राइब करें।